सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय विधानसभा पिरान कलियर पहुंचे, जहां पर उन्होंने आप प्रत्याशी इंजीनियर शादाब आलम के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी 70 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ रही है, और वहीं उत्तराखंड निर्माण होने के बाद प्रदेश की जनता ने 21 सालों तक बीजेपी और कांग्रेस को सरकार चलाने का अवसर दिया, लेकिन इन दोनों सरकारों ने प्रदेश को लूटने का काम किया, जिसके चलते प्रदेश की जनता अब बदलाव का मन बना चुकी है और आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बनने जा रही है। उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी 70 के 70 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ रही है। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से अब तक 21 वर्षों से कांग्रेस और भाजपा को उत्तराखंड में सरकार चलाने का मौका मिला, लेकिन उत्तराखंड के अंदर जो विकास होना चाहिए, उत्तराखंड के अंदर स्कूलों में जो सुधार होना चाहिए, अस्पतालों में सुधार होना चाहिए, उत्तराखंड के नौजवानों के लिए जो काम होना चाहिए वो नहीं हुआ। आज पूरे उत्तराखंड के लोग इन दोनों पार्टियों से परेशान हैं, लेकिन इनके पास कोई विकल्प नहीं था। कभी कुछ हिस्से में बसपा ने प्रयास किया, कुछ हिस्से में सपा ने प्रयास किया, कुछ हिस्से में उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रयास किया, लेकिन पूरे प्रदेश व्यापी विकल्प आज तक उत्तराखंड की जनता को नहीं मिला। विधानसभा चुनाव को लेकर जहां बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेता उत्तराखंड दौरे पर हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम भी उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे हैं। राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस ने उत्तराखंड की जनता से झूठे वादे करके गुमराह करने का काम किया। इस बार जनता उत्तराखंड में तीसरा विकल्प चाहती है। जिस तरह दिल्ली में आम आदमी पार्टी जनता के हित में विकास कार्य कर रही है, वही वादे हमने उत्तराखंड की जनता से किए हैं, वो हम पूरा करेंगे। भरोसे के तौर पे एक बात कह सकता हूँ कि अभी तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर, कांग्रेस पर भरोसा किया, उनके वायदों पे भरोसा किया और 10-10 साल उनकी सरकारें बनवाई। वो खुद देख लें कि जो भरोसा उन्होंने उन पे किया था, बीजेपी कांग्रेस ने जो अपने घोषणा पत्र में उत्तराखंड के लोगों के साथ वायदे किए थे, क्या उन्होंने वो वायदे पूरे किए हैं या नहीं किए, वो खुद ही चेक कर लें। और उसके बाद दिल्ली के भी आप घोषणा पत्र को पढ़ लें और देख लें कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के साथ क्या वायदे किए थे, और उस घोषणा पत्र को खुद चेक कर लें, नेट पे अवेलेबल है, और ये देख लें कि दिल्ली की सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के लोगों के साथ अपने कितने वायदे पूरे किए। अगर बीजेपी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किए हुए वायदे पूरे किए हों तो उत्तराखंड के लोग फिर से चाहे बेशक से बीजेपी कांग्रेस को चुन लें, लेकिन अगर उन्होंने अपने वायदे पूरे ना किए हों और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर अपने किए हुए वायदों को पूरा किया हो, तो फिर आपके सामने विकल्प। वहीं अब बात करते हैं हरिद्वार की, जहां पर दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसकी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हम दिल्ली में पहली बार में 67 सीटें लाए थे, ऐसा कहना है रामनिवास गोयल का। और साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी 70 सीटें और वहां भी 67 सीटें लाकर इतिहास दोहराएंगे। बीजेपी की घोषणाओं की तरह उनका 60 पार का नारा भी जुमला है। हमने दिल्ली में काम करके दिखाया है, उत्तराखंड में भी काम करके दिखाएंगे और उसी आधार पर वोट मांग रहे हैं। हम बस उत्तराखंड की जनता से 5 साल मांग रहे हैं। आपको बता दें कि रामनिवास गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गंगा आरती में भी हिस्सा लिया है। हम तो मुकाबला एक ही चीज से मानते हैं, हमने काम किया है, काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। अगर काम पसंद नहीं आता, ठीक है, काम पसंद आता है, विकास चाहते हैं, हमारा किसी से मुकाबला नहीं, हमको वोट दीजिए। हाँ, प्रतिद्वंदी नंबर 1-2 कह सकते हैं तो हम बता सकते हैं, प्रतिद्वंदी नंबर 1 हमारा बीजेपी, नंबर 2 कांग्रेस। वहीं पिरान कलिया दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय का जनसंवाद है। आपको बता दें कि गोपाल राय ने पिरान कलिया में जनसंवाद किया, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पिरान कलिया में प्रत्याशी शादाब आलम भी इस दौरान वहां पर मौजूद है। दरअसल 14 तारीख को उत्तराखंड की जनता जितना अच्छा झाड़ू लगाएगी, बीजेपी और कांग्रेस की गंदगी का उतना ही अच्छा सफाया होगा, ऐसा कहना है गोपाल राय का। चलो जी, पूरे उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस और भाजपा की सरकार चलती रही, मजबूरी में लोग कांग्रेस भाजपा को जिताते रहे। इस उत्तराखंड के अंदर 21 सालों से बी और सी की लड़ाई चल रही,
वी मतलब भारतीय जनता पार्टी और सी मतलब कांग्रेस पार्टी। 21 साल से उत्तराखंड वाले पिरान कलियर वाले बी से सी कर रहे थे। 21 साल से उत्तराखंड इंतजार कर रहा था कि ये बीसी होता रहेगा, एक कब आएगा। पहली बार आज उत्तराखंड के अंदर ए आ चुका है, आम आदमी पार्टी आकर के नाम बता चुकी। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता उमा सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उत्तराखंड नवनिर्माण विजन को लेकर आप जल्द थीम सॉन्ग लॉन्च करेगी। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता उमा सिसोदिया ने कहा कि ये गीत ऐतिहासिक होगा और प्रदेशवासियों को बहुत ज्यादा आकर्षित भी करेगा। इस गीत के जरिए आप पार्टी ये बताएगी कि कैसे 21 सालों से जनता को दोनों ही दल बीजेपी कांग्रेस ठगते आए हैं। उमा ने कहा कि ये गीत उत्तराखंड के मुद्दों की बात करेगा और आम आदमी पार्टी की विचारधारा बताएगा। कार्यकर्ताओं में गीत को लेकर जबरदस्त उत्साह है। उत्तराखंड का एक गीत लॉन्च करने वाली है जो आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में कैंपेन सॉन्ग होगा। ये वो गीत होगा जो उत्तराखंड के घर घर में बजेगा, उत्तराखंड की हर जबान पर चढ़ेगा, क्योंकि हमने इस गीत में आम आदमी पार्टी के पूरे जो हमारी गारंटियां हैं उनको समाहित किया है और आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में क्या करने वाली है उसको समाहित किया है। चाहे बात हमारी शिक्षा की हो, चाहे बात हमारे रोजगार की हो, चाहे बात हमारे पलायन रोकने की हो, चाहे हमारे बिजली और पानी की फ्री की बात हो, उत्तराखंड का हर मुद्दा इस गीत में समाहित होगा। और उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड का ये गीत उत्तराखंड में क्रांति लेकर आएगा। इंतजार कीजिए, बस एक या दो दिन का उत्तराखंड का गीत आप लोगों के सामने होगा। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए हमारा खास कार्यक्रम न्यूज रूम लाइव।